हर स्पोर्ट्स की जरूरी न्यूज पाने के लिए वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज पीडी। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ ट्रांसफर अपडेट और कुछ कंफर्म न्यूज। पहला अपडेट है, केरला ब्लास्टर एफसी ने इंडियन फॉरवर्ड बीपी सुहेर को लगभग साइन कर लिया। सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गया, ये भी पूरा होने की बात ऑफिशियली कन्फर्म कर देगा केरला ब्लास्टर एफसी। बीपी सुहेर 2016 से प्रोफेशनल क्लब की शुरुआत की थी। वह लास्ट सीजन मोहन बगान में खेला था और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। उसने 16 मैचों में 2 गोल डाला। 2016 में इस बेंगल की तरफ से बीपी सुहेर उसकी डेब्यू मैच पर हैट्रिक भी लगाया। से पता चलती है कि इस प्लेयर को अच्छा खेल दिखाने की क्षमता रखती है। अगर कुछ भी ऑफिशियल अपडेट निकलती है तो मैं जरूर बताऊंगा अगले वीडियो पर। वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें तो जर्मन गवर्नमेंट ने जर्मनी की टॉप डिवीजन लीग बुंडेसलीगा को ग्रीन सिग्नल दिया है और एक्सपेक्ट कर रही है मई माह की 15 तारीख से शुरू होगा। लेकिन स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करनी होगी और एम्प्टी स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी कि फैंस अलाउ नहीं होगा, सिर्फ कुछ ऑफिशियल वॉलंटियर मीडिया रहेगा ग्राउंड में। रही बात फॉरेन प्लेयर की तो बहुत सारी फॉरेन प्लेयर अटक गया था लॉकडाउन की वजह से, तो इन लोगों की मेडिकल टेस्ट करने के बाद ही ट्रेनिंग करने दिया जाएगा क्लब में। रही बात फैंस की तो लोकल डर्बीज और टॉप बुंडेसलीगा क्लब क्लैशेस को देखने नहीं पाएगा, सिर्फ टीवी चैनल से ही आनंद उठाना पड़ेगा जब तक कोविड-19 बीमारी खत्म नहीं होता। और दूसरी तरफ से इटली की सीरिया ए लीग भी प्रिपेयर हो रही है ग्रीन सिग्नल मिलने का, और कुछ क्लब ने तो ट्रेनिंग शुरू कर भी दिया और फॉरेन प्लेयरों को वापस आने की भी बोला गया। और स्पेन की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया ट्रेनिंग शुरू करने के लिए और क्लब एक्सपेक्ट कर रही है मिड सीजन से खेला शुरू होगा स्पेन में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना, सो दैट मैं कभी भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिले और आप लेटेस्ट अपडेट मिस ना होगी। रूमर्स निकल के आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी ने ऑफर दिया है स्पेनिश फुटबॉलर इगोर अंजालो, उम्र 37 साल। सुनने में आया कि फाइनल निगोशिएशन चल रहा है क्लब मैनेजमेंट और प्लेयर एजेंट के बीच। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, विंगर और स्ट्राइकर की पोजीशन में खेलती है। उसकी क्लब करियर की बात करें तो 2002 से प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। इगोर अंजालो ने कुछ स्पेनिश सेकेंड डिवीजन लीग के क्लब में खेला और कुछ ग्रीस साइप्रस जैसे बड़ा लीग में भी खेला। इगोर स्पेन नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट किया है अंडर 19, अंडर 20 और अंडर 21 की तरफ से। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। इगोर ने लास्ट ईयर अपने करंट टीम गोर्निक जाब्जे के साथ यूएफा यूरोपा लीग क्वालिफाइंग राउंड में भी खेला। इगोर 2018-19 पोलिश लीग की भी टॉप गोल स्कोरर भी बने। उसने टोटल 37 मैचों में 24 गोल डाला। कुछ हफ्तों से केरला ब्लास्टर एफसी का फॉरेन प्लेयर रूमर्स ऐसा निकल रहा है मानो दो स्क्वाड बना सकती है। ये रूमर्स भी देखते हैं कितना तक सही है। अब दूसरी रूमर्स, इटालियन मिडफील्डर एलेसेंड्रो बेंजिया को इंटरेस्ट दिखा रहा है चेन्नई एफसी, उम्र 30 साल। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। उसने ज़्यादातर आर्मेनिया, अमेरिका, रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया की बड़ा लीग में खेला है। अभी वो अमेरिका की मायामी डेडी एफसी से खेल रहा है। अगर वो चेन्नई एफसी में साइन हो जाता तो बहुत अच्छा होगा चेन्नई एफसी के लिए, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस को लेकर हेल्प कर सकती है चेन्नई एफसी को हर मैच जिताने में। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एफसी गोवा भी ऑफर दिया है। अब देखते हैं नतीजा क्या होगा। अगर एलेसेंड्रो के बारे में कुछ भी अपडेट निकलती है तो मैं जरूर बताऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना तक ही। टाइम निकलकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।